हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजीव मोहन सोलन। गाइज, आप सभी मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मेरे पाँव की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, तो 3 महीने तक मैं बेड रेस्ट थी, क्योंकि 3 महीने तक तो मेरा प्लास्टर लगा रहा, तो मैं कुछ काम नहीं कर पाई, घर पे भी नहीं कोई वीडियो बना पाई कहीं भी, और कहीं ना बाहर का आपको दिखा पाई, कहीं घूमने का या फिर किचन की कोई रेसिपी, ना अपने कमरे का। तो आज मैं थोड़ा सा शुरुआत की है अपने ब्लॉग की, तो आप प्लीज सभी मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। गला भी ख़राब है, काफ़ी टाइम हो गया गला ख़राब हुए को, 1 महीने से ऊपर तो मेरा गला ख़राब हुआ है, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो मैं प्लीज़ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और आप सभी प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और आप सभी मेरा सहयोग दें। ए राजीव ने खीरा काटा था सलाद के लिए सुबह। बच्चा है, उसको पता नहीं लगता कि हमें नाश्ते में क्या खाना चाहिए। वही मटर है, दही है, और उसने चपाती बनाई थी और बहुत बुरा हाल किया हुआ किचन का। पर ये है कि आजकल इसकी छुट्टियां पड़ी हुई, अभी इसकी एडमिशन नहीं हुई स्कूल की, और बर्तन भी अभी थोड़े से धोने को थे। मेरे से अभी खड़ा नहीं हो जाता अच्छी तरह से, पर फिर भी अब मैं, अभी तो डॉक्टर ने वैसे मना किया था कि आप अभी आप रेस्ट करना 1 महीने तक पाँव की हड्डी टूटने की वजह से। तब फिर मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा वो काम, और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना, और अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन। आप मेरे साथ ऐसी बने रहना। ये मैंने पहले ही पानी के साथ नीचे रख दिए थे धो के, और फिर मैं बाद में लगा रही हूँ इसमें विम, और मैं लिक्विड ही विम यूज करती हूँ, क्योंकि इससे झाग भी बनती है और अच्छे से साफ हो जाता है। क्योंकि जो दूसरे वाला होता है उसमें बर्तन में ऐसे जमा रहता है, वो वाला जो टिक्की वाला बीम होता है ना, उससे हम ज़्यादा यूज नहीं करती, मैं लिक्विड ही यूज करती हूँ। अब मैं इसको साफ पानी से धो लेती हूँ। थोड़े से बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, हम थोड़े थोड़े बर्तन ही साफ कर लेते, काफ़ी सारे इकट्ठे नहीं करके रखते, अच्छा नहीं लगता। अब साथ साथ में ही खाते और साथ साथ में ही हम रख देते हैं धो के, और ऐसे नहीं रखते भी, चलो ये भी इकट्ठा किया वो भी इकट्ठा किया, नहीं नहीं हम जैसे चाय पी तो चाय के बर्तन साथ में धो दिए। आज ना राजीव ने ना शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, आलू और शिमला मिर्च की, बहुत टेस्टी बनाई थी। जब वक्त पड़ता है तो वक्त सब कुछ सिखा देता है इंसान को, और अभी तो ये 10th क्लास को हुआ, पर फिर भी इसको चल ये है कि कभी ये भूखा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ बना के खा सकता है। सब बच्चे को तो कुछ ना कुछ आना ही चाहिए, और कई बच्चे तो ऐसे होते भी चल नहीं घर में कोई हुआ तो मैगी बनाई, पर ये नहीं है, चपाती भी बना लेता है और सब्जी भी बना लेता है इसने, आटा गिरा गिरा के, इतना अभी इसको आता ही नहीं है। और मैं अभी कर लेती हूँ गैस साफ, और अब मैंने किचन वाला जो क्लॉथ होता है उससे साफ कर रही हूँ कपड़ा। सॉरी, मेरे को खांसी भी हुई हुई, गला भी खराब हुआ हुआ। ये सुबह के रूटीन का है मेरी आज पहली बार, क्योंकि 3 महीने बाद मैं काम कर रही हूँ, मैंने सर्फ लिया और कपड़े को वॉश कर रही हूँ। अब मैंने इस लाइजोन लिया, अब इससे मैं सिंक साफ कर रही हूँ। एक पाँव के ऊपर खड़ी हुई थी मैं,
बहुत देर तक मेरे से काम नहीं होता दोनों पाँव के ऊपर खड़े होके। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर मुझे बताना प्लीज। राजीव ने झाड़ू लगा दिया था और अब मैंने देखो आपको कैसा लगी मैंने किचन का काम किया। और झाड़ू पोछा लगा के मैं नहा के आ गई थी, पोछा भी लगाया झाड़ू भी लगाया तो उसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। मैं अब यहाँ पे गुनगुना रही थी गाना और उसको मैंने म्यूट कर दिया। जिंदगी का सफर एक ऐसा सफर। राजीव हंस रहा था ये मेरी वीडियो बना रहे, ये बहुत कम आता है वीडियो में, आता नहीं है। मैं अब बाल सुखा रही हूँ अपने टॉवल के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, मुझे सपोर्ट करें। आपसे ये निवेदन करती हूँ और विनती करती हूँ फुल सपोर्ट करें मेरी वीडियो को। और अब मैं मेकअप करूँगी थोड़ा सा, घर में ऐसे ही करती हूँ और घर में क्या, मैं जब इधर उधर जाती हूँ तब भी ऐसे ही करती हूँ, सिंपल सा मेकअप करती हूँ बस। फेयर एंड लवली लगाई मैंने, मैं ऐसी रहती हूँ। आईब्रो भी अभी मैंने बनाई नहीं है, आईब्रो बनाने को ये भी काफ़ी सारी, क्योंकि 3 महीने तो मेरे को बेड पे ही हो गए थे तो मैं जब कहीं जा नहीं पाती थी। और ये मैंने मेकअप किट काफ़ी साल पहले, 2 साल पहले ली थी कोरोना से पहले। और मैं थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सा। मेरे फेस पे छाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा, नाक पे भी छाइयाँ हैं। शीशे भी काफ़ी सारे तोड़ देता है राजीव, ये अब लास्ट वाला शीशा है, 2-3 महीने में इसमें शीशे टूट जाते हैं कभी कैसे कभी कैसे, बस समझ नहीं आता क्यों शीशे टूट जाते हैं हमारे। अब मैंने सिंपल सा शीशा रखा हुआ क्योंकि ये टूटने वाली चीज़ें बार बार टूट ही जाती हैं। मेरे को सास में मेरे यहाँ पर राजीव भी बैठा था, उसको मेरे पीठ के पीछे ही बैठा हुआ साथ में ही।
अब मैं लगाऊंगी लिप लाइनर। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ लिप लाइनर के बिना, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती कभी भी नहीं, लिप लाइनर मैं ज़रूर लगाती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसी हैबिट पड़ गई मुझे ना, इसके बिना मैं कभी भी नहीं लगाती लिपस्टिक, कभी कोशिश भी नहीं की। मैं देखूँगी कभी मैं ऐसे ही लगाऊँ। बस दो तीन लिपस्टिक ही है मेरे पास, दो कलर की, एक गुलाबी कलर की एक रेड कलर की। अब मैं पहले इसमें था, थोड़ा सा रेड वाली लगा रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा सामान है ही नहीं, जो है बस यही है। बस ये वाली मैंने करवा चौथ पे ली थी, जो इसमें एक साइड रेड कलर की है, एक साइड को गुलाबी कलर की है। अब इसको स्क्वायर नहीं लगी हुई, इसे एक दूसरी वाली लगाऊंगी, एक लिप बाम बोलते जिसको, इससे ना मतलब चमक चमकेगी। अब इससे चमक आती है, तो ये वाली लगाई थी मैंने। अब मैं काजल लगा रही हूँ। और बस अब मेरा मेकअप हो गया। आईलाइनर मेरे पास है नहीं, वैसे बहुत शौक है मुझे आईलाइनर का लगाने का, पर मेरे पास है ही नहीं। वो टूट गया था बस, पता नहीं क्या बोल सकते हैं। अब लक्मे कंपनी का था वो, ऊपर से जैसे मैंने ढक्कन खोला ना उसका, वो उसका ब्रश उसके अंदर ही रह गया। मेरे को गणेश वाली डायरी दी थी बेटा मेरी, बस मैं ये लगा रही हूँ बिंदी। मतलब 3 महीने बाद मैंने अपने आप को अच्छे से खुद अच्छी तरह बाल धोए, नहीं तो मेरे मम्मी धोते थे मेरे, आके बेचारे गांव से, वो गांव में रहते हैं, वो आके धोते थे। पाँव ने मेरे बहुत प्लास्टर हुआ होता था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। मैं डर डर लगता था बस ऐसे ही पाँव का, फिर से ना मुड़ जाए पाँव। बस अब मैं अपने आप ही बाल को वॉश किया। और मुझे ये वाला हेयर बैंड बहुत अच्छा लगता है, मैं यही लगाती हूँ।
ये मेरे बेड के पास मेरे गणेश वाली डायरी, इसमें गणेश जी भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई डायरी है मेरी, मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास ही। और थैंक यू सो मच फुल वॉच करे प्लीज।